सो गल ऑस्ट्रेलिया दी करन जा रहे हैं। अज एक बार फिर तो असी टॉपिक जी टी ही चुनिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हों की जी टी डिले चल रही है, अक्सर स्टूडेंट्स का साढ़े को सवाल ये आता है कि सानू कितना टाइम जो है वेट करनी चाहिए है, कि ज़्यादा समा तो नहीं हो गया सानू वेट करद हो कि नॉर्मल हरेक स्टूडेंट में इन्ना ही टाइम लगता है या साड़ी प्रोफाइल से ही इन्ना डिले क्यों आ रहा है। बहुत सारे सवाल होंगे ने साढ़े को, इसलिए प्रॉपर आप जी टी उपर ही अज डिस्कस कर जा रहे हैं कि प्रोफाइल से जी टी डिले हो जाती है, केड़ी गलां दा स्टूडेंट नूं ध्यान शुरू विच ही रखना चाहिए ताकि तुहाडी प्रोफाइल ते जी टी डिले ना होवे। ते बहुत बहुत स्वागत है जी सारयां दा, मैं हाँ हरजोत कौर, ते अजे पूरी डिटेल विच जानकारी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे ने नेविगेटर्स ओवरसीज़ सो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारयां नूं। सो मैम, अज जी टी जो कि वाकई एक बहुत वड्डा सवाल बन जाता है जदों स्टूडेंट जिहड़ा आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लई अपलाई करना चाहुंदा है या अपलाई कर चुके है। सो मैम, ये इस उपर क्लैरिटी जरूर दो कि स्टार्टिंग विच कुछ खास चीज़ों पर ध्यान जेकर रख के स्टूडेंट अपलाई करता है तो कि उसनों जी टी डिले तो राहत मिल सकती है, तो ईजीली उसकी जी टी क्लीयर हो सकती है। जब भी स्टूडेंट ऑफिस जाता है तो असी सब तो पहले उसके जी टी के डाक्यूमेंट्स ही चैक करते हैं। जी टी विच की हो गया, उसके पेरेंट्स की कितनी इनकम है, फाइनैंशियल्स उसके कोल कितने अवेलेबल है, 3 मंथ्स ओल्ड, उसकी अपनी अकैडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही है, और उसका जिहड़ा है बेसिकली सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाद जिहड़ा बाद का पार्ट आएगा उस स्टेटमेंट का परपज़ का आएगा। तो जी टी दे विच बच्चे का अपना अकैडमिक रिक्वायरमेंट जेड़े एंट्री रिक्वायरमेंट और उन्हें कोर्स से कितनी रिसर्च की हुई है, ठीक है। हुण पेरेंट्स के उपर आ जाता है, पेरेंट्स की इनकम, क्योंकि पंजाब हरियाणा दे विच एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ज़्यादा है स्टूडेंट्स का, एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है, फिर एग्रीकल्चर इनकम है तो ITR दे नाल तहसीलदार का सर्टिफिकेट भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मदर की अक्सर इनकम नहीं होंगी, वो कोई बुटीक की भरवा देंगे, कोई कुछ है वो भी बड़ा, तुसी पहले ही पेरेंट्स नूं साडे इंस्ट्रक्शंस है या मतलब उन्होंने एक सलाह है कि जब मदर कुछ कर रही है तो तुसी उन्हां दी ITR टाइम जिन्हां दे बच्चे पढ़ भी रहे हैं टाइमली अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरो, क्योंकि पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम जो अच्छी होएगी तो तुहाडी जी टी बहुत अच्छी तरह, जो इनकम ज़्यादा है ना तो फिर फंड से बड़ा जोर भी नहीं पैंदा। जो सरकारी मुलाजिम है और जो उन्होंने 30 लाख की ITR है तो फिर अंबैसी फंड भी नहीं चैक करती है, ये भी क्राइटेरिया शायद बहुत लोग इस चीज़ को नहीं दसते। जो 30 लाख की पेरेंट्स की ITR है, गवर्नमेंट जॉब है, फिर अंबैसी जड़ा है वो जी टी चैक नहीं करती है, जी टी मीनस फाइनैशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं, है ना। तो ये क्योंकि दैट मीनस तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि इनकम तुहाडी स्ट्रोंग है तो बच्चे नूं तुसी बाहर पढ़ा सकते हो, जे इनकम स्ट्रोंग नहीं है तो बच्चा जिहड़ा उत्थे जा के काम करेगा पढ़ेगा नहीं, पढ़न की तरफ ध्यान नहीं लाएगा, फेल होएगा और बहुत अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चा फिर कॉलेज चेंज करेगा, फेल होएगा, किन्नी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस करके तुहाडी इनकम स्ट्रोंग होनी चाहिए, तुहाडा बैंक बैलेंस ठीक होना चाहिए, जब तुहाडी इनकम स्ट्रोंग है लोन भी तुहानू बहुत ईजीली मिलता है, आजकल बैंक भी बहुत फ्लैक्सीबल है और बहुत असी भी हैल्प करते हैं स्टूडेंट्स के वास्ते लोन विच कि बच्चे नू जिहड़ा सही लोन मिल जाए कि जिस तो पेरेंट्स से बड़ा प्रेशर ना पे पढ़न के बाद बच्चे के उपर, जो लोन मिलता है तो नैचुरल है लोन तो ही फीस जानी है। तो इस करके तुहाडी जिहड़ी इनकम और तुहाडे फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स, हुण तुहाडा जिहड़ा है फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स दे विच कौन कौन तुहानू स्पोंसर कर सकता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिहड़ा मैं तुहाडी तरफ तो आ भी इहदे विच जिहड़ा पेरेंट्स, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, दादा दादी, नाना नानी, ये जिहड़े है सारे फर्स्ट स्पोंसर च काउंट होंदे आ। अच्छा, किसी भी एप्लीकेशन असी नहीं ये चाहते कि 3-4 स्पोंसर हो, क्योंकि उस तो एप्लीकेशन वीक होंगी है, क्योंकि दैट मीनस तुहाडे च पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है, तुसी सारे रल मिल के उन्होंने भेज रहे हो, वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जिदा क्वेश्चन होंगे कि मेरी भूआ दे कोल फंड रखे है या मेरे चाचे कोल फंड रखे है, मेरे मामे कोल, वो सारे थर्ड पार्टी स्पोंसर चाहते हैं। मान लो तुहाडे पेरेंट्स के कोल 80% या 70% फंड है अवेलेबल, तो तुसी 30% की या 20% की स्पोंसरशिप भूआ तो, चाचे तो, मामे तो, कोई भी रैलेटिव तो लै सकते हो, नॉट अंकल आंट, ब्लड रैलेटिव च हूँ।
ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਚਾਂਸਿਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, MBA ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਵੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਰੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਫੰਡਸ ਰੈਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਟਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ GTE ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।